बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाह जुगनू मैथ की तरफ से बैचलर क्लास की मैथ में आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, वो है फोरियर सीरीज़। डियर स्टूडेंट, आज वीडियो लेक्चर नंबर 4 फोरियर सीरीज़ का आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको किसी इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज़ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो डिस्कस करेंगे। फोरियर सीरीज़, पिछले लेक्चर में हमने किसी ऑड फंक्शन की फोरियर सीरीज कैलकुलेट की। वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या किया था कि हमने कुछ जो रिजल्ट कुछ पढ़े थे जो इस फोरियर सीरीज में हेल्प आउट होते हैं यूज करने के लिए डायरेक्ट, तो वो हमने पढ़े थे। तो वीडियो लेक्चर नंबर 1 में भी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज वीडियो लेक्चर नंबर 4 में डियर स्टूडेंट, हम इवन फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज कैसे कैलकुलेट करनी है। तो फोरियर सीरीज का फार्मूला तो डियर स्टूडेंट आपको मालूम है, फिर भी लिखे देता हूँ। वो सामने लिखने से आपको फायदा ये होगा कि पता चल जाएगा हमने क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट, लिखे देता हूँ, ये फंक्शन है 1/2 a0 प्लस 1 to ∞ an cos nx प्लस bn sin nx। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास सामने चीज़ें मैंने सीरीज लिख दी। सीरीज में अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक्स स्क्वायर जो एक फंक्शन इवन है, ए नॉट चाहिए, ए एन चाहिए, बी एन चाहिए। ए नॉट कैलकुलेट करने के लिए अब आप वही फार्मूले यूज करेंगे। ए नॉट का फार्मूला आपके पास क्या है, 1/π माइनस π/2 f(x) dx। फंक्शन की वैल्यू फिल करेंगे 1/π माइनस π/2 f(x) आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बेसिकली आप देखें, आपके पास एक इवन फंक्शन है। एक्स स्क्वायर क्या है, बेसिकली आपके पास एक इवन फंक्शन है। तो आप बोल देंगे क्या करेंगे, बाहर 2 से मल्टीपल और लिमिट आपकी नीचे आ ली, इसी इंटीग्रल की लोअर लिमिट को 0 और अपर लिमिट एज इट वैसे ही, और सारा क्वेश्चन एज इट वैसे ही। और यहाँ लॉजिक लिख देंगे, इंटीग्रैंड इज एन इवन फंक्शन। तो रिजल्ट हमने यूज किया। अब मजीद आगे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आम। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर रूल लगेगा क्या, इसकी पावर अगर इग्नोर करें तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का 1। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है डियर स्टूडेंट, जो इसके साथ पड़ा हुआ है। तो आप बोलेंगे पावर रूल क्या है, इसकी पावर में 1 इजाफा कर दें, यानी ये 3 हो जाएगा और नीचे ये भी 3, उसी पावर से डिवाइड करेंगे। हमने पावर रूल पढ़ा है कि इसकी पावर में 1 इजाफा कर देते हैं, 2 है तो 3, और इसी से डिवाइड की पावर रूल 0 to π। अब मजीद 2/π, ये 3 भी बाहर कॉमन ले आए आप, क्योंकि जहां एक्स अपर लिमिट वहां अप्लाई होनी है। अपर लिमिट जहां एक्स पाई फिल किया, फिर जहां एक्स लोअर लिमिट 0। तो डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा, 2/3π और ये π³। तो 1π से 1π रिमूव हो गया, आपके पास क्या बना, 2/3π². तो डियर स्टूडेंट आपके पास ए नॉट जो आया है वो आपके पास क्या बन गया, ए नॉट आपके पास जो बना है वो है 2/3π². अब हम ए एन की तरफ चलेंगे। ए एन कैलकुलेट करने के लिए वही लिखेंगे क्या, ए एन इक्वल 1/π माइनस π/2 f(x) cos nx dx। तो डियर स्टूडेंट्स, ए एन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, माइनस π/2 f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर cos nx dx। तो डियर स्टूडेंट्स देखा जाए, जैसे ये एक्स स्क्वायर आपके पास इवन इंटीग्रैंड है, इसी तरह आप देखा जाए इस सारे को चेक करें कि ये इंटीग्रैंड क्या है आपके पास, ये भी माइनस अगर यहाँ रखा जाए तो इवन पावर है तो माइनस ख़त्म कर देगा और cos भी एंगल का माइनस ख़त्म कर देता है। हमने पढ़ा हुआ है cos अगर माइनस एक्स हो तो उसे cos एक्स लिखा जा सकता है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज cos का बिहेव सेम होता है, इस वजह से ही माइनस रिमूव कर देता है। इस तरह समझ लें कि इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, रिमूव करना मकसद नहीं है,
मेन मकसद है कि दोनों पे इसका बिहेव माइनस एंगल हो तो आप समझते हैं क्लॉकवाइज, और अगर एंगल प्लस हो तो आप बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का बिहेव सेम होता है, इस वजह से आप बोलेंगे ये एंगल माइनस रिमूव कर देता है, और ये माइनस की पावर अगर हम यहाँ रखें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में जहाँ एक्स है माइनस रखें तो ये भी माइनस ख़त्म कर देता है। तो ओवरऑल इवन फंक्शन है, जब ये इवन है तो हम इसे इंटीग्रेंड का को इवन लिखने के बाद आप बोलेंगे यहाँ पर कि बाहर दो से मल्टीपल पाए, और डियर स्टूडेंट नीचे लिमिट जीरो, अपर लिमिट जोन सी है वो पाए रहेगी एज इट, बाकी फंक्शन एज इट वैसे का वैसे कॉस एन एक्स डी एक्स। यहाँ लिखना चाहें लिख दें आप, इंटीग्रैंड इज एन इवन। उसके बाद डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आप आ जाएंगे, टू ओवर पाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो आप बोलेंगे फर्स्ट वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, साइन एन एक्स और एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड, और जीरो से पाए माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से पाए, उसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x और सेकंड की सेम इंटीग्रेशन, तो क्या होगा साइन एन एक्स ओवर एन डी एक्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, साइन का आपको बताया था कि पाई पे और जीरो पे बिहेव क्या होता है, सेम होता है, जीरो होता है, सॉरी साइन एन पाई भी जीरो होगा, साइन जीरो भी जीरो होगा, इसलिए डायरेक्ट इसे आप एवल्यूट मत करें, आंसर इसका डायरेक्ट जीरो लिखते हैं। क्या बताया मैंने, साइन एन पाई या साइन जीरो, दोनों पे आंसर क्या होता है अपर लोअर लिमिट जीरो, तो डायरेक्ट आप इसे जीरो लिख दें, मजीद कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आपके पास जो बचा है स्ट्रक्चर, एन कॉन्स्टेंट ले आए बाहर, एन कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, उसके बाद माइनस ये बाहर आ गया, ये टू बाहर आ गया, टू टू क्या हो जाएगा फोर, तो डिस्टेंस इसे फोर लिख दें आप, तो ओवरऑल आप इसे सारे को लिख दें, यानी यहां से आपने टू और एन आपने कॉमन लिया, फोर ओवर एन पाए, और माइनस भी साथ बाहर आया, और इंटीग्रल आपके पास क्या बचा, जीरो टू पाए एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन आप करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, माइनस फोर ओवर एन पाए, हाँ जी ये फर्स्ट, इसे सेकंड, जैसे वहां आपने उसे फर्स्ट और सेकंड कहा, इसे भी यहाँ फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वैसे सेकंड की नेशन, साइन की नेशन क्या होगी, माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन जीरो टू पाए, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की सेम इंटीग्रेशन, तो सेम इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन डी एक्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट थोड़ा सा देखिएगा वही वाला जो पिछला जो हमने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में कि कॉमन ले लें, तो डियर स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे आपके पास ये माइनस ओवर एन, ये माइनस ओवर एन, आप बाहर कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर, ये एन जब बाहर आएगा, एन ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वेयर, क्या हो जाएगा ये आपके पास एन स्क्वेयर। उसके बाद नेक्स्ट आगे लेके चलते हैं, पाई साथ, अच्छा जी, उसके बाद अब आप अपर लिमिट फिल करें, जहां जाए एक्स अपर पाए, करली ब्रैकेट यूज कर रहा हूं मैं ताकि पता चले कि हम अपर लिमिट पुटिंग कर रहे हैं, पाए कॉस एन पाए माइनस जीरो, जब ये जहां एक्स है आप जीरो फिल करेंगे तो जीरो समथिंग जीरो हो जाएगा, जीरो समथिंग जीरो हो जाएगा, जीरो यहां रखें, जीरो समथिंग जीरो लिखना है तो लिख दें साथ कॉस एन जीरो। तो डियर स्टूडेंट ये मैंने लिमिट अप्लाई की, इसके बाद मजीद आगे चलेंगे, ये माइनस बचा और आपके पास क्या स्ट्रक्चर बचेगी, जस्ट कॉस एन एक्स डी एक्स जीरो से पाए। इसका डियर स्टूडेंट वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में 3 में हमने कहा था, कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, साइन इन दोनों जगह में जीरो होता है, तो इसकी डियर स्टूडेंट डायरेक्ट वैल्यू आप लिख दें जीरो, तो जस्ट आपके पास इधर देखें ये भी जीरो हो गया, तो जस्ट आपके पास ये बचेगा पाए कॉस एन पाए। तो इसको मजीद आगे हम करते हैं, एन फोर ओवर एन स्क्वायर पाए, अच्छा जी, इसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर जो बचा पाए कॉस एन पाए, और कॉस एन पाए की शॉर्ट की मैंने आपको बताई थी माइनस वन की पावर एन। तो डियर स्टूडेंट्स इधर देखें यहां पे एक पाई से ये पाई रिमूव हो गया, आपके पास
क्या आएगा यहाँ पर, फोर ओवर एन स्क्वेयर और -1 रेस टू पावर एन। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ए एन आ गया, ए एन की टर्म आपने फाइंड आउट कर ली और इधर से ए नॉट की टर्म आपने फाइंड आउट की थी। अब रह गया जस्ट आपके पास बी एन, तो बी एन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बी एन के लिए आप देखेंगे, बी एन आप मैं यहीं लिखे देता हूं इसे, डिस्टेंस बी एन का जो फार्मूला है वो आपने पढ़ा हुआ है, 1/π - π/2π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब हम फंक्शन की वैल्यू फिल करेंगे, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर साइन एन एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रैंड को आप और से देखें, क्या ये इवन या आर्ड चेक करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वर्बली देख लिया करें, करके ज़रूरत नहीं है। इसमें एक्स की जगह माइनस रिप्लेस करें तो ये स्केयर क्या होता है, माइनस रिमूव कर देगा, साइन एंगल का एन माइनस बाहर निकालेगा। ओवरऑल यहाँ पे रफ में आप कर सकते हैं, ये देखें जहाँ जहाँ एक्स है मैंने फिल किया माइनस, तो ये माइनस ख़त्म कर देगा, साइन एंगल का माइनस बाहर निकालेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साइन के आंसर में नेगेटिव का फ़र्क है। यानी हमने पढ़ा हुआ है साइन माइनस थीटा यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का आंसर डिफरेंट होता है, ये आपस में इक्वल नहीं होते। तो तभी सूरत में हो सकते हैं जब यहाँ माइनस लगा दें, तब ये आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये देखें, ये एंगल इसलिए निकला, तो आप यहाँ देखेंगे कि ओवरऑल माइनस जो है वो बाहर आ रहा है, तो ये माइनस बाहर आ गया एक्स के साइन एन एक्स। तो इसमें अगर हम माइनस रिप्लेस करें तो ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि माइनस बाहर आ रहा है तो आप बोलें ऑड है, तो ऑड की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी है इस बिहेव में ज़ीरो। यहाँ लिख देंगे लॉजिक, इंटीग्रैंड इज एन ऑड फंक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ हमने पुटिंग करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है फोरियर सीरीज़ में। फोरियर सीरीज़ आपके पास क्या थी, एफ ऑफ एक्स 1/2a0, हमने ए नाट कैलकुलेट कर लिया है, एन 1 to ∞ हमने ए एन भी कैलकुलेट कर लिया, कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ए नाट डियर स्टूडेंट्स अगर देखें तो आपके पास क्या था, 2/3 पाई स्क्वेयर ए नाट की वैल्यू फिल की, प्लस समेशन एन 1 to ∞ ए एन की वैल्यू हमारे पास ये है, 4 into -1 raised to power n/n² cos एन एक्स। और बी एन डियर स्टूडेंट हमारा निकला 0, ये आपने अभी मालूम किया, साइन एन एक्स। तो इसमें मज़ीद आप देखें, साइन एन एक्स आपका 0 आया, बी एन आपका 0 आया, साइन एन एक्स, तो ये सारा 0 हो जाएगा। जस्ट आपके पास जो बचेगी अमाउंट वो लिख दें, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा फंक्शन की फोरियर सीरीज़, आप लिख सकते हैं क्या, π² / 3। इसमें देखें समेशन किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है, कांस्टेंट पे, 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, बाकी एन 1 to ∞ -1 की पावर n कॉज एन एक्स ओवर एन स्क्वेयर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, फोरियर सीरीज आपने एक्स स्क्वेयर इवन फंक्शन की कैलकुलेट की। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, कोई आपको लेक्चर में इशू आए, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमें कमेंट में हमसे हम आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। और मज़ीद आपको कोई इशू हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पांस देंगे। अल्लाह ताला आपका हमें अनासिर हो। अल्लाह हाफिज़।